अब अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन अहली केस की समाप्त हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अदालत के अहाते में मीडिया टॉक ना करें, बाहर जाकर जो मर्जी करें। जबकि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि अपने मफाद के लिए इस मुकदमे को इस्तेमाल ना किया जाए। आपको बताएं कि अदालत के अहाते में मीडिया टॉक ना की जाए, इस बारे में रिमार्क्स दिए गए कि अपने मफाद के लिए इस मुकदमे को इस्तेमाल ना किया जाए। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद बताएगा क्या अदालती कार्रवाई रही आज। हाँ जी बिल्कुल, कल जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ और हनीफ अब्बासी ने इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्तों के समाअत शुरू होने से पहले मीडिया पर जो बातचीत की थी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, और कल ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस मियां साकिब निसार ने इस मामले का नोटिस लिया था, और इन और सुप्रीम कोर्ट के अहाते में तकारीर पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया था, कुछ तहफ़ुज़ात का इजहार किया था। आज जब चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में तीन रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू इस केस की समाअत शुरू हुई, तो जो हनीफ अब्बासी के वकील अक्रम शेख हैं उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के इस तीन रुकनी बेंच की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई कि कल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो पीटीआई के तर्जमान नईमुल हक हैं उन्होंने केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद अहाते अदालत में मीडिया से बातचीत की। जबकि कल चीफ जस्टिस ने भी इस हवाले से कहा गया था कि सुप्रीम केस से मुतलिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में कोई बातचीत ना की जाए। नईमुल हक के इस तकरीर करने के मामले को जो है वो अकरम शेख की जानिब से उठाने पर चीफ जस्टिस ने आज फिर कुछ तहफ़ुज़ात का इजहार किया है, और चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक मुकद्दस अदारा है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ कोई भी केस हो उसके कानूनी पहलुओं पर जो सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत में बात होती है बाहर जाकर उस पर सियासी हवाले से बातचीत ना की जाए। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने कल भी इस मामले में कुछ तहफ़ुज़ात का इजहार किया था, सियासी जमातों के रहनुमाओं को इस मामले में कुछ एहतियात करना होगी। जबकि जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि सियासी जमातों के रहनुमाओं जो सुप्रीम कोर्ट में जारी किसी भी केस को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर जानिब से कौन कौन से रहनुमा आज केस की समाअत में मौजूद थे, और क्या आज भी मीडिया टॉक की जाएगी, कुछ ऐसा लग रहा है। देखें आज भी इस वक्त कमरा अदालत में जो जो फरीकेन हैं जिनमें हनीफ अब्बासी हैं, पीटीआई के जो नईमुल हक हैं, और अलावा जी नईम बुखारी हैं और दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं, और आज इस बात का गालिब इम्कान है कि आज दोबारा चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में जो तकरीर जो और जो मीडिया से गुफ्तगू पर जो बात की है, तो इस बात का गालिब इम्कान है कि आज शायद जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो रिस्क ना लें। कल भी जब चीफ जस्टिस इस मामले का नोटिस लिया था तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ और हनीफ अब्बासी ने के कमरा अदालत से बाहर निकलने के बाद समाअत मुकम्मल होने के बाद मीडिया से टॉक करने का रिस्क नहीं लिया था, लेकिन पीटीआई के तर्जमान नईमुल हक ने कल अदालती अहकामात के बावजूद मीडिया से टॉक की थी। यही वजह है कि आज ये दोबारा मामला कमरा अदालत नंबर एक में उठा है, और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि बेहतर यही होगा कि इस सुप्रीम कोर्ट में जारी किसी भी केस के कानूनी पहलुओं के हवाले से जो कमरा अदालत में बात होती है बाहर जाकर सियासी जमातों के रहनुमाओं को सियासी फरीकैन दूसरी अदालत बाहर लगाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमजद भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।